आज बात करेंगे प्रोस्टेट के कुछ नए इलाज जो इंडिया में बस पहुंच ही रहे हैं। ये कुछ नई टेक्निक्स हैं जो ना तो पूरी तरीके से सर्जरी हैं ना ही पूरी तरीके से मेडिसिन है। ये कुछ इनके बीच की तकनीक है जिसमें ना तो ब्लड लॉस होता है और ना ही कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको प्रोस्टेट की खुद की जाँच वाला वीडियो, प्रोस्टेट के खुद के ट्रीटमेंट वाला वीडियो और प्रोस्टेट की सर्जरी और मेडिसिन के कंपैरिजन वाला वीडियो बना के काफ़ी हद तक आपको नॉलेजेबल बना दिया है कि आप खुद से डिसाइड कर सकें कि कब प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट लेना है, कब सर्जरी करानी है और कब डॉक्टर को दिखाना है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल इंदौर में, और आज का हमारा ये वीडियो प्रोस्टेट के ट्रीटमेंट और उसकी सर्जरी के एडवांसमेंट को लेके होने वाला है। प्रोस्टेट की जो सर्जरीज होती हैं वो ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं। पहले लोग ओपन सर्जरी करते थे, चीरा लगा के प्रोस्टेट को निकालते थे जिसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होती थी और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होते थे। उसके बाद प्रोस्टेट की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी आने लगी जिसमें लेजर सर्जरी, मोनोपोलर, बाइपोलर और प्लाज्मा सर्जरी भी थी। तो इस तरीके से सर्जरी का इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे करके हम बहुत मिनिमल और बहुत कम ब्लड लॉस के साथ सर्जरी करने लग गए हैं। लेकिन अब समय के साथ, साइंस के एडवांसमेंट के साथ में दो ऐसी नई टेक्निक्स भी आ गई हैं जिनके अंदर कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है, बस सिस्टोस्कोपी करके प्रोस्टेट के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाती है कि आपको यूरिन आराम से आने लग जाता है। पहली टेक्निक एक स्टेपलर की तरह काम करती है जिसमें अगर प्रोस्टेट के दो लोब्स जो कि रुकावट पैदा कर रहे हैं उनमें स्टेपलर लगा के उनको दूर कर दिया जाता है। यानी कि जो प्रोस्टेट का पार्ट यूरिन को फ्लो को रोक रहा था उसे स्टेपलर लगा के आपने खोल दिया और यूरिन उसके बीच में से होके आसानी से निकलने लग जाएगा। इस टेक्निक को करने के लिए हमें थोड़ा कॉस्ट यानी पैसे बियर करने पड़ते हैं। अब ये टेक्निक इंडिया में आ चुकी। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये डे केयर के फॉर्म में की जा सकती है, यानी कि सुबह भर्ती करके आपको शाम को छुट्टी की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्टेपलर का यूज होता है जो प्रोस्टेट को किनारे करके और रास्ते को ओपन कर देता है। तो कितने स्टेपलर फायर होंगे ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोस्टेट है, और जितने स्टेपलर फायर होंगे कॉस्ट भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि हमने कोई कट लगाया ही नहीं है, कोई लेजर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। बस प्रोस्टेट के दोनों रुकावट वाले जो लोब्स हैं, जो अंग हैं, उनको दूर कर दिया, अपार्ट कर दिया है। चलिए बात करते हैं दूसरी टेक्निक की, जिसके अंदर हम प्रोस्टेट के अंदर भाप के कुछ अंश को थोड़े समय के लिए रख देते हैं। टू बी प्रोसाइज, 9 सेकंड के लिए भाप को प्रोस्टेट के अंग के अंदर डाला जाता है। ये भाप धीरे धीरे काम करके प्रोस्टेट की जो कोशिकाएं होती हैं, जो उसका ऊतक है, टिश्यू है, उसको गला देता है और ओवर द वीक्स धीरे धीरे करके ये सारा टिश्यू झड़ के बाहर निकल जाता है और प्रोस्टेट का रास्ता सीधा हो जाता है। इस टेक्निक में भी पहले वाली टेक्निक की तरह ही ब्लीडिंग की आशंका बहुत कम रहती है और यूरिन का फ्लो बहुत अच्छा बन जाता है। इस टेक्निक को रिज्यूम टेक्निक कहते हैं और पहले वाली टेक्निक को यूरोलिफ्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं अपने वीडियो के सारे कमेंट्स रीड करता हूं और सारे कमेंट्स का खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूं। तो अगर आपके पास इन दोनों टेक्निक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूंगा आपको सही जानकारी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, आगे और बहुत से नॉलेजेबल वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।